बताइए सुधांशु जी, आप आत्मविश्वास से लबरेज लग रही हैं, भरी हुई लग रही हैं राधिका खेड़ा जी, और पहली बार कह रही है भगवान राम की भी बात कर रही है, बजरंग बली की भी बात कर रही है, तो बजरंग बली वाले दाव पर मैं आऊंगा, लेकिन राधिका जी की बात पर आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो दीपक जी, अपने चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल का नाम लेने से लेके यहां डिबेट में बजरंग बली का संदर्भ राधिका जी लेके आई। शनि की एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, तो सारे दर्शकों को यह पता होगा कि शनि के साथ एक शब्द जुड़ा रहता, शनि की साढ़े साती। अब पिछले साढ़े सात साल किसके ऊपर भारी रहे हैं भारत की राजनीति में, और किस पार्टी ने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दर्शक समझ सकते हैं। और यहां पर मैं थोड़ा सा विषयांतर करके एक बिंदु और कह दूं, वो डिबेट का हिस्सा नहीं है परंतु संदर्भ आया, दर्शकों से कहना चाहता हूं ये हमारे विज्ञान का भी प्रतीक है। शनि की साढ़े साथी जानते क्यों कही जाती है? शनि जिस राशि पे चलता है ढाई वर्ष लेता है, इतना प्रभावी ग्रह है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे प्रभाव रखता है, तो ढाई 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 साढ़े सात होता है, जैसे इस समय कुंभ राशि पे चल रहा है। बारह राशियां हैं तो शनि का एक रोटेशन पीरियड 30 साल का होता है, यह हमें हजारों साल से पता था, भगवान राम के जमाने साढ़े साती लगी थी, और वो लोग कहते हैं कि भारत को उन्होंने ज्ञान दिया जिनको 150-200 साल पहले पता चला कि शनि का रोटेशन पीरियड 30 साल का और जुपिटर का 12 साल का होता है। भारत उस मामले में बहुत अलग है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं पहले तो इन्होंने ये बात बोली। दूसरा, आपने देखा कितनी सहजता से राधिका जी ने दोनों हाथ में लड्डू रख लिए, एग्जिट पोल के आधार पर कहा हम जीतने जा रहे हैं, और ईवीएम का राइडर भी लगा दिया ताकि इन केस ऑफ डिफीट, अब हमने तो पहले ही कह दिया था ईवीएम ये है, मतलब इसे आप कहते हैं, जिसे फिलॉसफी की भाषा में कहते हैं उभय पाशात्मक वक्तव्य, यानी डायलेक्टिक स्टेटमेंट देना कि चित भी मेरी पट भी मेरी, जीत गए तो एग्जिट पोल ने बता दिया था, हार गए तो हमने पहले ही कह दिया था कि ईवीएम होने वाली है, यानी कांग्रेस दोनों तरफ की संभावनाओं की पेशबंदी करके चल रही है। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, दोनों बात का उत्तर दे दो, इन्होंने कहा आज कोई कर्नाटक पर चर्चा नहीं कर रहा है, मान्यवर ये कांग्रेस इस मुगालते से बाहर आए कि उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। पाकिस्तान का घटनाक्रम कल रात से ऐसा हो गया है कि चैनल्स के लिए वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई है, क्योंकि कर्नाटक को लेकर अनुमान है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो 75 साल में ऐतिहासिक हो रहा है। अब ये सोचना कि वो क्यों हो रहा है और यहां पर क्यों बात नहीं हो रही है, शायद उस कारण से आपको लगता हो कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए साहब कर्नाटक के चुनाव के बारे में अब केवल 15-16 घंटे रह गए हैं, थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, सबका निर्णय सामने आ जाएगा, और यह भी साफ हो जाएगा कि जो आप दावे कर रहे हैं ये दावे परिणाम आने के बाद कितने यथार्थ होंगे, मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं। इन्होंने कहा पोल ऑफ द पोल्स किसी ने नहीं दिखाया, तो राधिका जी 2018 का पोल ऑफ द पोल्स देखिए, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए, पोल ऑफ द पोल्स क्या दिखा रहा था कि बीजेपी 89 सीट्स, कांग्रेस 102, ये पोल ऑफ द पोल था 2018 का, उस समय भी लगभग सभी पोल्स ने हमको हारा हुआ दिखाया था, और रियल पोल क्या आया था, और सॉरी जेडीएस को दिखाया था 28 से 30, और रियल में क्या आया था, बीजेपी 105, कांग्रेस 79 और जेडीएस 38। तो मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, परंतु यह कहना कि पोल ऑफ पोल्स नहीं बता रहे हैं और जो पोल ऑफ पोल्स है वो एकदम सटीक होते हैं, तो दिशा दिखाते हैं और दिशा बराबरी के दिखा रहे हैं। और एक और बात कह दूं, 3 महीने पहले के जो चुनाव सर्वेक्षण थे वो बीजेपी को बहुत पीछे दिखा रहे थे, वहां से आप देखें एग्जिट पोल तक आते आते अंतर घट गया है, यानी ट्रेंड ये दिखा रहा है कि अगर भगवान ने चाहा और जनता का आशीर्वाद रहा तो एग्जिट पोल आते आते हम उनसे आगे निकल जाएंगे, एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट पोल में बदले। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि लोग कहते हैं, मेरे एक ज्योतिष ने मुझे बताया कि शनि की साढ़े साथी जब उतरती है ना तो कुछ देके जाती है, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन राधिका जी मैं आगे आपसे पूछूं, लेकिन मेरा सबसे मौजूद सवाल जो सुधांशु भाई ने उठाया, आपने ईवीएम का राइडर लगाया, आपने कहा कि ईवीएम देखिए, ईवीएम के बारे में फोटो आ रही कि बीजेपी के पास, तो आप जीते तो ईवीएम अच्छी, आप हारे तो ईवीएम खराब, कांग्रेस क्या इस नैरेटिव से बाहर निकल पाई? ना ना, मैंने जो उस वक्त कहा था उसको अगर सुधांशु जी ने ध्यान से सुना होता, मैंने कहा कि वहाँ की जनता देखिए कैसा जवाब दे रही है,
पहले पकड़े जाते थे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना तो उनकी पुरानी आदत है, पहले पकड़े जाते थे तो कहीं की भी जनता ऐसे ईवीएम मशीन को निकाल निकाल के तोड़ती नहीं थी जिस तरीके से गाड़ी से निकाल निकाल के तोड़ी है। जनता कितनी जागरूक हो गई है और वो इनके इनको सफल नहीं होने देगी जो ये कार्य कर रहे हैं, वरना यही मशीन चली जाती, पकड़ लेती है इलेक्शन कमीशन, पुलिस पकड़ लेती है, फिर इस्तेमाल हो जाती है, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। लेकिन जनता का आक्रोश मैं बता रही थी, मैंने ईवीएम का संदर्भ इसलिए दिया ये बताने को कि वो वीडियो में मैं आपको दिखा भी देती पर इस कैमरे में दिखाई नहीं देगा, सतपाल मलिक जी ने ट्वीट भी किया कि देखिए जनता में कितना आक्रोश है, जनता कितना जवाब दे रही है, आप लोग किस तरीके से दुष्टता कर रहे हैं। और यहाँ पे बात हो रही थी कि हम लोग इतनी चीज़ें, मैं इतना जानती नहीं, नॉलेज मेरे से ज़्यादा सुधांशु जी को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो इस बारे में मैं नहीं जाऊँगी साढ़े सत्य और इसके ऊपर। मैं एक चीज़ जानती हूँ कि हनुमान जी का आशीर्वाद बदल रहा है। आप लोग बार बार जो कहते थे, जब आप बजरंग दल की बात हुई, आपने कहा कि मैंने बजरंग बली का नाम ले लिया, बजरंग दल को आपने बजरंग बली के साथ स्वयं ला के खड़ा कर दिया क्योंकि आपने देश वहाँ की जनता को भटकाना था। आप लोगों ने इतना अन्याय किया, 40% कमीशन खाई, उसके बाद जो वादे किए 57,000 पद एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली रह गए, पानी को लेके जो वादे थे उनको सल्यूशन नहीं किया, वहाँ पे 4,500 करोड़ आपने SC ST के बच्चों को देना था स्कॉलरशिप के लिए, वो नहीं हुआ, जो नीतियाँ आपने प्रॉमिस करी थी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की वो नहीं किया, तो लोग हिसाब पूछ रहे, महंगाई इतनी बढ़ा दी, आप लोगों को वोट मिल रहा था क्योंकि आप लोगों ने कहा था पूरे देश में कि आप महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये बात बोलना, और सबसे जरूरी बात दीपक जी इसमें यहाँ पे एक और भी देखने की है कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने तकरीबन अगर सबसे ज्यादा समय कहीं बिताया तो वो कर्नाटका में था, 27 दिन कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा रही और 7 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा कवर करे गए, राहुल जी चप्पे चप्पे में घूमे कर्नाटक के, पैदल गए, वहां की जनता से मिले, जनता का दर्द सुना, समझा, और जिस तरीके से हमने उसके बाद भी कवर किया तो उसी से हमें पता चलना शुरू हो गया था जब कर्नाटक में निकल रही थी और इन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का इतना मजाक उड़ाया था, अब कर्नाटक की जनता इनका मजाक उड़ा रही है। जिन जिन चीज़ों पे ये राजनीति कर रहे थे, मजाक उड़ाते थे भारत जोड़ो यात्रा का, अब बजरंग बली के बराबर में ला के बजरंग दल को खड़ा कर दिया, वहाँ की जनता को नहीं पूछ रहे, बाकी सब छोड़िए, इन्होंने तो अपने दो कार्यकर्ता जिन्होंने सुइसाइड कर ली दीपक जी, क्योंकि 40% कमीशन इनसे इनकी सरकार ले रही थी, खुद के कार्यकर्ता के जो नहीं हुए, आपको लगता है वो वोटर के होंगे, और जनता कर्नाटक की सब देख रही थी। और रही बात कल की, बहुत क्लियर है, आप चाहे जितना भी कह लीजिए अब पोल गलत है ये है, बहुत साफ है, वहाँ पे दिखाई दे रहा था जिस तरीके से रिकॉर्ड पोलिंग हुई है, बहुत क्लैरिटी से हर पोल में, और शायद हो सकता है पोल ऑफ द पोल कभी कभी गलत भी रहे हो, ठीक है, लेकिन वहाँ की जनता जो बोल रही है और सामने आके बोल रही है, लोग टीवी वाले भी जा रहे हैं, कोई सबको सामने क्लैरिटी से आ रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि इतना करप्शन, फिर बोलूंगी इतना करप्शन जनता के साथ, इतना आपने करप्शन किया कि जाना तय था, और फिर बोलूंगी कि कर्नाटक तय करेगा 2024 में क्या होने वाला है, और ये बदलाव की आंधी है, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए आगे आगे, पूरा देश आपके हाथों से निकल जाएगा। Z News.